नमस्कार दोस्तों। वैसे तो बॉलीवुड में कितनी फिल्में बनती हैं और रिलीज भी होती हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो बनने के बाद भी रिलीज नहीं हो पाती और कुछ फिल्में अधूरी रह जाती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आमिर खान की एक अधूरी फिल्म टाइम मशीन के बारे में। टाइम मशीन 1992 की एक साइंस फिक्शन फिल्म थी। फिल्म के निर्माता थे सुरेश मल्होत्रा और फिल्म को निर्देशित कर रहे थे शेखर कपूर। फिल्म के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म के लीड रोल में थे आमिर खान, रेखा, नसरुद्दीन शाह, रवीना टंडन, गुलशन ग्रोवर, विजय आनंद और अमरीश पुरी। फिल्म की शूटिंग 75% पूरी होने के बाद आर्थिक तंगी और शेखर कपूर के अमेरिका चले जाने के कारण इसे रोक दिया गया था। फिर सन 2008 में शेखर कपूर ने घोषणा की कि वह एक नए कलाकार के साथ फिल्म को बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन यह कभी भी सफल नहीं हुआ। यह फिल्म हॉलीवुड की टाइम ट्रेवल फिल्म बैक टू द फ्यूचर पर आधारित थी। आमिर खान को मुख्य भूमिका निभाना था, जो 1990 से 1960 के दशक के समय में वापस चला जाता है और अपने माता पिता से मिलता है। फिल्म में नसरुद्दीन शाह और रेखा आमिर खान के माता पिता के रोल में थे। विजय आनंद को वैज्ञानिक के रूप में रखा गया था, जो टाइम मशीन का आविष्कार करते हैं। रवीना टंडन, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी भी अहम रोल में थे। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें और फिल्मों से जुड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।